ओ हीर पुत्र, धूप बहुत चढ़ गई है, आके दुपट्टे शुपट्टे उतार ले। हीर आई। चाचा चाचा, तू चाय पी के फिर छत पे आ गया ना, अब देख बुखार हो जाएगा तुझे, फिर तू कितना खांसता है, चाची कितना कोसेगी तुझे। ना ना, कोई उस शैतान का नाम ना ले, उससे बचता बचाता तो ऊपर आया हूँ। अभी कह रही थी दुकान पे जा, कुछ चीजें लेके आ। क्या लाना है? मैं ले आती हूँ दुकान से। ना ना, मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ। तू मुझे समझ में नहीं आता चाचा, एक तरफ उसे इतना कोसता है, दूसरी तरफ उसका काम करने के लिए भागा भागा जा रहा है। अच्छा तू बता, तू ऊपर क्यों आई है? मैं कि दुपट्टे ये उतारने आई थी चाचा मैं। अच्छा, ये इब्राहिम है ना, कमाल का आदमी है, बहुत अच्छे सुर लगाता है। है ना चाचा, मुझे भी इब्राहिम की बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती है। लगता है मैं पानी पे तैर रही हूँ। बस बस, तैरती रहना, डूब ना जाना। मैं एक मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? काम है, आती हूँ। अरे बात सुन, मर गई, जल्दी से रोटी ले, मुझे बड़ी भूख लगी है। लो आ गई खाने की मशीन। चाची कभी खुद भी रोटी डाल लिया कर। हाय हाय हाय, ना मैं क्यों डालूं? तूने क्या किया सुबह से? झाड़ू तक तो निकाली नहीं, पूरे घर को कूड़े का ढेर बना के रख दिया। किसी वक्त खुद भी काम कर लिया कर, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, वो बेचारी वेली है। जो ये कर रही है ना, पूरे पिंड के मर्दों ने जूतियां मार के ना पिंड से बाहर निकाल देना, याद रखी तू मेरी बात? चाची जूतियां तो छोड़ दे, कोई आंख उठा के मुझे देखे आंखें बाहर निकाल दूंगी मैं, पिंड से बाहर निकाल देंगे। हाय तौबा तौबा, तू देख लेना, ये जो तेरे उच्चे बोल है ना, एक दिन तेरे ही सामने आएंगे, लिख ले कहीं मेरी बात। हाँ जा रही हूँ सेंटर, बड़ा बड़ा लिख दूंगी। हाँ, बोर्ड पे लिख देगी उस्तानी। हर वक्त मेरी हीर बेटी के पीछे पड़ी रहती है, एक बात याद रखना, सारे गांव का नाम रोशन करेगी ये मेरी बेटी। ये जो तेरी हल्ला शेरी है ना, इसी ने इसका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तू अपनी बात पे कायम रहना, तू भी इधर है और मैं भी इधर हूँ, देख लेना नाम उच्चा करती है, ये नाम का बेड़ा गर्क करती है। उच्चा करेगी, आए आए आए, खुदा का वास्ता किसी वक्त उसके लिए अच्छे बोल भी बोल दिया कर, उसके पीछे पड़ी रहती है।
अरे अरे आहिस्ता हाथ रखो, धागा टूट नहीं जाएगा। इसी के मोटे हाथ हैं, सुई नजर ही नहीं आ रही है। दिखाओ। हाँ ऐसे। चलो चलो बैठे करो और दिखा देना थोड़ी देर में मुझे। शैला क्या बात है, क्यों अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है? मैं नहीं तो बन मत, चेहरा देख अपना लाल हो रहा है, क्या बात है बताओ। तो तू भी ना हर वक्त मजाक करती रहता है। शराफत से बता भी उठाऊं जूती? अच्छा अच्छा बाबा बताती हूँ। तेरी चाय की एक खास बात बताऊं कसम, बंदा ऐसे धैर्य की जगह भी पी सकता। अच्छा तुझे मेरे हाथ की चाय इतनी ही बुरी लगती है तो ढाबे से जाके क्यों नहीं पी लेता है? क्यों मुझे चूल्हे के आगे सुबह शाम सड़ाता है? तू पूरे दिन ही से एक काम की सुबह करती क्या है तू? हाँ तू बड़ा गांव का सरपंच लगा हुआ है, जो सारे काम तेरे करती फिरूं? ये जो सब्जी बना रही हूँ ये किसके लिए बना रही हूँ? खुद खा लेना, जिस तरह जबान तेज चलाती है हाथ भी चला ले तो मसला ही कोई नहीं। दिल तो बहुत करता है हाथ चलाने को पर कसम से मौका नहीं मिलता। अपनी जबान को लगाम दे कलसुम, तुझे पता है मुझे तेरी तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। बस तो यही हक तक छीन नहीं सकता है, फजूल की बहस करना बंद कर और जा अपने सूत खोर दोस्तों के पास जाके सूत खा। ये तू नहीं वो हीर बोल रही है, जिस तरह उसने गाँव के दूसरे घरों को बर्बाद किया है एक दिन तेरा भी घर बर्बाद करेगी इंशाल्लाह। तुझे भी देख लूंगा मगर पहले उस हीर का काम बंद कराऊं फिर तुझे देखता हूं। तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना है पेजी। देखो मेरी बात समझो, जो कुछ हीर कर रही है इसमें तुम सब की औरतों का ही भला है। ले भाई भला, और वो भी हम, हमारी इज्जत खाक में मिला के रख दी उन औरतों ने। ऐसा क्या किया हीर? आप तो ऐसा पूछ रहे हैं चौधरी साहब जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। हीर सेंटर में औरतों को सिर्फ काम ही नहीं सिखाती है बल्कि हमारे खिलाफ भड़काती भी है। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ ऐसा क्या कर दिया हीर ने? क्या नहीं किया चौधरी साहब, सबको जबान दे दिया उसने और अब तो मेरी बीवी रशीदा भी शुरू हो गई है। बड़ी बेइज्जती की है मेरी, सवेरे सवेरे मुझे घर से निकाल दिया और एक प्याली चाय की भी नहीं पीने दी। बड़ी शर्म की बात है चौधरी साहब, आगे जाके तो उसने मेरी कुट लगा देनी है। ये भी तो बता ना चौधरी साहब को, उस मासूम औरत ने तेरे सामने जबान क्यों चलाई है? ओ चाचे उसका दिमाग भी तेरी हीर ने खराब किया है। कोई दिमाग खराब नहीं किया बल्कि वो दिमाग सही कर रही है। मेरी मासूम सी हीर भोली भाली है, वो तो सबकी भलाई चाहती है, तो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। शादी किससे? वो शमसा पप्पी के मामूजाद भाई से। शमसा पप्पी वो जो तुम्हारी दूर की रिश्तेदार थी, इनको मिल गई है? हाँ। अच्छा तुमने लड़के को देखा है? मुझे लड़के को देखने की क्या जरूरत है, अम्मा ने देखा है। और तुझे पता है अम्मा बता रही थी कि उनकी अपनी जमीन है जिसपे दो आम और दो जामुन के पेड़ हैं, बस लड़का मुझसे थोड़ा बड़ा है। थोड़ा बड़ा? कितना बड़ा है? यही कोई 20 साल। 20 साल क्या गिन रही है? सब उल्टा हो गया, कुछ पढ़ ही लेती। अच्छा मुझे बात बता, जो तू अपने बाप की उम्र के लड़के से शादी करने जा रही है ये दिखता कैसा है? पता नहीं, अम्मा को शमसा पप्पी बता रही थी कि खूबसूरत दिखता है।
खूबसूरत दिखता है। तूने देखा या नहीं देखा, शैला तो ऐसा कैसे कर सकती है अपने साथ, बिना देखे शादी कर लेगी। देख तू फजूल में मुझे वरगला मत, ये शादी मुझे जरूर करनी है। और तू क्या जानती है कि इस शादी की मेरे नजदीक कितनी अहमियत है? क्या अहमियत है बता मुझे। बता दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। रुक ना, पूरी बात तो बता। अरे ये कौन साफ करेगा? तुम लोग अगर अपनी बीवियों को पैसा कमा के दो ना, तो क्या जरूरत पड़ी है उनको घर से बाहर निकलने की? रायन दीजिए चौधरी साहब, सिर्फ हमारे घरों में नहीं, गांव के दूसरों घर में भी यही फसाद शुरू हो गए। औरतें जो पैसा कमाने लग गई अपनी मर्दों की सुनती ही नहीं, कुत्तों जैसी इज्जत करके रख दिए घर में हमारे। हाँ कुत्तों जैसी हालत तुम लोगों ने खुद की है। तुम्हारे आगे तुम्हारी बीवियां इसलिए बोलती हैं कि तुम लोग कमाते नहीं हो, आवारा फिरते हो गांव में, नशा करते हो, बदमाशियां करते हो। और तू रहमते, तूने अपनी बीवी के साथ क्या किया? तूने इतना मारा है उसको कि आज अगर उसने जबानी लड़ाई की तो तेरे को बुरा लग गया। आज ये औरतें अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो इसमें तुम सबका ही भला है। पर चौधरी साहब, तू चुप कर असलम। ये गलत, तूने तो अपनी बीवी की लातें तोड़ दी थी, शर्म नहीं आती तेरे को? हीर को सेंटर खोलने की इजाजत मैंने दी है, और मैं मरते दम तक हीर के साथ हूं। बड़ा चौधरी बना फिरता है। इतना गुस्से में क्यों है? बात नहीं कर मेरे से। क्यों? अब क्या हुआ? सारे गांव की औरतों को जबान दे दी है तूने। अब तो तेरा सेंटर बंद होके रहेगा बस। यार सेंटर बंद करा के तुझे क्या मिलेगा पेजी? सुकून मिलेगा और मेरी बीवी की जबान भी बंद होगी। से एक बात सच है, तुझे खूबसूरत लड़कियों से बात करना बिल्कुल नहीं आती। मुझे देख, पूरे गांव में फैला रही हूँ कि पेजी जैसा कोई नहीं। सच सच बता, सच बोल रही है? हाँ कसम ले ले। फिर तो तेरा सेंटर कोई भी बंद नहीं करा सकता, मैं हूँ तेरे से। ऐसे शादी की बात तो मैं सेंटर खुद ही बंद कर दूंगी, मेरा मियां मेरे लिए कमाएगा और मैं घर पे आराम से बैठूंगी। बात तो सुन, मैं कहती थी ना सबसे अच्छा पेजी, क्या बात करता है, क्या चाल चलता है, क्या जीभ चलाता है और क्या सूद खाता है। हैं? ओह वहां जाना रह गया, वो देखो। हाँ फिर आ गया ना तू बहाने से। हाँ हाँ तू तो जैसे कोई बहुत हूर परी है ना। चल अब रहने दे, मैं जानती हूँ मरता है तू मुझसे। तेरा जो दिमाग है ना उसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो नहीं, आजकल तो बस एक ही चीज है, गाड़ी।
मुझे गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारा पैसा जमा करके बड़ी सी गाड़ी, बड़ी नहीं छोटी भी चलेगी। गाड़ी कहाँ से बीच में आ गई भाई? आ गई नहीं, आएगी। मेरा हमेशा का हाव है कि मेरे पास अपनी गाड़ी हो। अरे तो तुझे क्या जरूरत है उसकी? ये जो मेरी गाड़ी है ये ले ले। भीख में नहीं चाहिए, मेहनत करके खुद पैसा कमाऊंगी और फिर गाड़ी लूंगी। मेरे सेंटर में जब बहुत सारी लड़कियां आएंगी ना तो बहुत सारा पैसा भी आएगा। तुझे कुछ पता भी है? गाँव के लोग कितना खिलाफ है तेरे, पूरा गाँव तूने सर पर उठा लिया है। सारा गाँव मेरे खिलाफ नहीं है, वो तो बस पेजी रहमत और तुझ जैसे निखट्टू हैं जो मेरे खिलाफ हैं, वरना सारी औरतें तो मेरे साथ हैं। अच्छा तो तूने मुझे निखट्टू कहा है ना? अब जो मैं तेरे लिए तोहफा लेकर आया हूँ ना वो भी नहीं दे रहा तुझे, जा। अरे ये क्या कर रही है तू, पागल हो गई है क्या? कोई देख लेता तो? चौधरी का खून होके भी कितना डरता है तू? मैं खुद से नहीं डरता, तेरी बहादुरी से डरता हूँ मैं। ये तू इतने बड़े बड़े काम करी ना गांव में, सब दुश्मन बन गए तेरे। और वैसे भी ताया जी ने कहा है कि उसको बोल थोड़ा ध्यान दे। हाँ इसे बड़ी फिक्र है तुझे। ये बता फरांदा कैसा लगा तुझे? और सब बकवास है ये, कितनी बार कहूं कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुझे। मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब इस सबको हाथ नहीं लगाएगी तू? ठीक है, तुम भी मुझसे वादा करो आज के बाद चर्स सिगरेट शराब या किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, मैं भी इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। देखो तो तेरे मुंह में इतनी लंबी जबान कैसे आ गई, बड़ी हिम्मत आ गई तुझमें। ये हिम्मत भी तुम्हारी बगैरती की वजह से आई है, अगर तुम इतने गैरतमंद होते ना मुझे घर से बाहर निकलने की नौबत नहीं आती। चल दफा यहाँ से, और तेरा मैं वो सेंटर बंद करा के दम लूंगा। जा जाके सो जा रहमत, अगर मेरा सेंटर जाना ख्वाब में भी बंद हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना। आइए आइए चौधरी साहब आइए। मुझे चौधरी क्यों बुलाती हो, मेरी मूछ थोड़ी है कोई। अच्छा बता क्यों आया है? ये ले बाजी ने दिए। शैला ने? क्यों? अब वो सेंटर वेंडर नहीं आएंगी? सेंटर तो उसका पियो भी आएगा। बाप को तो बख्श दे। अच्छा बता ना क्यों नहीं आ रही? मुझे क्या पता, खुद जाके पूछ ले। वैसे मैं कुछ बात तो कर रही थी उससे कमरे में। तू भी बड़ा ढीला है, कहां जाके सुन तो लेता। चल भाग यहां से। वैसे शैला है बड़ी सियानी। सियानी होती ना तो मेरी हर बात सुनती। चौधरी साहब क्या बात है, हीर की वजह से परेशान है आप? नहीं परेशान नहीं हूं, सोच रहा हूं कितनी हिम्मत है इस नन्ही सी जान में, कितनी बात तो रही है, सारा ही तो गांव उसके खिलाफ हो गया। कहते तो ठीक है आप, आपका क्या ख्याल है सेंटर के बाहर कुछ पहरेदार ना बिठा दिए जाएं? होना तो यही चाहिए, आखिर हमारी बेटी भी तो जाती है हीर के सेंटर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम पुत्र। क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? भाई अब्बा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। पुत्र पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगी, गांव में अस्पताल खुलवाना है कि नहीं? हाँ खुलवाना है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये पढ़ाई है ही इतनी मुश्किल। सुनो
पढ़ाई नहीं करोगी तो कैसे इम्तिहान दोगी? दो दिन बाद शहर जाना है, इम्तिहान है तुम्हारा, पढ़ाई करो चुप करके। बच्ची है मेरी, बच्ची। हाँ हाँ बच्ची है आपकी, मगर इस तरह से आप लाड करते रहे ना तो ये अपने बचपन से नहीं निकलेगी और पढ़ाई कैसे करेगी फिर? सुनो, पढ़ाई करो, दिलेर बनो। अस्पताल नहीं खोलना तुमने, पढ़ाई नहीं करोगी तो अस्पताल कैसे खुलेगा? अच्छा माँ, अच्छा। और कर लेगी पढ़ाई, मेरा बच्चा पढ़ लेगी। चौधरी की दी है, पर उसको कहें कि पढ़ाई पर ध्यान दे अपने। बता ना शहला, क्या बात है? कुछ नहीं। झूठ ना बोल, साफ साफ बता क्या बात है। मेरी सास को मेरे सेंटर में काम करना पसंद नहीं है, कहती है अगर तू सेंटर गई तो मंगनी तोड़ देंगी। हाँ हाँ तो तोड़ दे, अपने हड हराम और निखटू बेटे पे तो ऐसे इतरा रही थी जैसे शान का रिश्ता लेके आई हुई है। हीर, हड हराम नहीं है वो, जमीने है उसकी अपनी। हाँ हाँ, दो आम और दो जामुन के पेड़ है ना उसपे, उसी पे चढ़ा के रखेगा ना तुझे, गर्मियों में आते हैं फल, सर्दियों में क्या करेगा, इनकी गुठली के मुरब्बे खिलाएगा तुझे। और तुझे पता है उस समय अपनी उंगलियों पे क्या गिन रही थी? तू 20 साल की है। नहीं नहीं 19 साल। झूठ ना बोल, तू 20 साल के 2 महीने बड़ी है मुझसे और वो तुझसे 20 साल बड़ा है, इसका मतलब वो 40 साल का है। सोच, जब तेरे बच्चे बड़े होंगे तो ये तो बुढ़ा हो जाएगा, कहाँ से गवा के खिलाएगा तुझे, देखना फिर तेरे बच्चे तुझे ही कोसेंगे। तो मैं क्या करूं? मैं तो कहती हूँ शादी से मना कर दे, अभी तेरी सास इतनी पाबंदियां लगाती है, सोच शादी के बाद क्या करेगी। तेरे लिए कहना आसान है, भुगतना तो मुझे है ना। पहले माँ के खिलाफ खूब भड़का दिया और अब बड़ी फरमा बरदार बन रही हो। शहला ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद ही आई हूँ यहाँ। देख हीर, तू जा यहाँ से वरना मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल देना है। चाची तुझे जो भी बोलना है बोल दे, मेरा दिल ही थोड़ा खराब होगा ना, लेकिन शैला की जिंदगी तो बच जाएगी ना। हीर तू जा यहाँ से। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर इसकी शादी उसी से करानी है तो इससे बेहतर से गला घोट के इसको मार दे। हाँ बता, आप क्या बात है? मुझे नींद नहीं आ रही चाचा। अच्छा, ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? मेरी नींद भी खराब की है। चलो ऐसे ये खेलेगी पत्ते? हाँ, अगर तू डंडी ना मारे तो। अच्छा तू क्या कम है? ला दे फेटी मैं मारती। फेंट ले, जितना मर्जी फेंट ले, जीतूंगा मैं। ये सिर्फ ख्वाबों में हो सकता है तेरे, सोना है ना तो अंदर जाके सो और खेलना है तो आंखें खोल के दे, ये ले। सलाम उस्ताद। आज बगैर पैसों के नहीं मिलेगी। उस्ताद पैसे तो नहीं है मेरे पास उस्ताद। उस्ताद पिला दो ना पैसे, कल ले लेना उस्ताद। ये चर्स तेरे बाप के खेतों में नहीं उगती है, जो कल ले लेना। उस्ताद आपके पास तो उगती है ना, आज पिला दो उस्ताद। उस्ताद वैसे भी तो आप मेरे माई बाप हो उस्ताद। वाह वाह उस्ताद, वैसे उस्ताद एक बात पूछूं? हाँ पूछ। उस्ताद आपके पास तो इतने पैसे हैं, फिर आपकी बीवी सेंटर में क्यों काम करती है उस्ताद? कहती है कि सूद कमाता हूँ, उन्नी के पेट में हराम का लुकमा नहीं जाने देगी।
इस हीर का कुछ करना पड़ेगा। कुलसुम मुंह को आ गई है, आजकल बड़ी जबान चलाने लग गई है मेरे साथ। उस्ताद दो थप्पड़ दें खींच के, सारा सेंटर का भूत उतर जाएगा उसका। तू अपने घर की फिक्र कर, समझा? हाँ उस्ताद, हीर के बारे में क्या सोचा आपने? उसका भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कहा था ना आज तू नहीं जीतेगा। क्या फिक्र लगी है चाचा? तेरी चाची ठीक कहती है, हम दोनों कत्ल होंगे। हैं? कौन करेगा हमें कत्ल? मुझे हर वक्त तेरी फिक्र रहती है। चाचा तू नहीं चाहता कि हमारे गांव की औरतें भी हुनरमंद हो, उन्हें भी कुछ काम आता हो, वो भी सर उठा के जी सके, चाहता है कि नहीं? चाहता हूँ बेटा, लेकिन तू बच्ची है मेरी, अकेली है। अकेली कहाँ हूँ मैं चाचा, अगर एक तरफ गांव के मर्द मेरे साथ नहीं तो दूसरी तरफ औरतें तो है ना। अच्छा ये बता, चौधरी साहब ने क्या कहा? चौधरी साहब कह रहे थे कि पेजी से एहतियात किया कर। इस पेजी को तो मैं अकेले ही देख लूंगी, ये बाकी सबके पेट में क्यों दर्द हुआ है? ये सारे हड हरामों को अपनी इज्जत की फिक्र है। पर तू जो काम कर रही है ना करती जा, लेकिन एक काम कर, चाची को भी साथ मिला ले। ना बाबा ना, जितनी औरतें आई है ना वो भी भाग जाएंगी। चाची उड़ गई, मैं जाती हूँ। हे चाची से बड़ा डरती है, मेरी नींद भी खराब की है। कुलसुम खाना लगा मेरे लिए। ये कोई होटल नहीं है जहाँ सिर्फ तू खाने और सोने के लिए आता है, अपना काम करना खुद सीख। ऐसा अपना सामान लेकर जा कहाँ रही है तू? मैं चली अपने महके। एक कदम भी अगर घर से बाहर निकाला तो गोली मार दूंगा तुझे। मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं। चल बैठ अंदर, बैठ। छोड़ मेरा हाथ, हाथ लगाए तेरे हाथ तोड़ दूंगी। बड़ा आया रोकने वाला। रशीदा, ओ रशीदा, ओ कहां मर गई हटराम की बच्ची? पानी पिला मुझे। रशीदा, तेरी नौकरानी नहीं हूं मैं, अपना काम खुद कर लिया कर। और हड़हराम मैं नहीं तू है, सारा दिन सड़कों पे आवारा गर्दगी तू करता है, रातों को नशे तू करता है, घंटों बिस्तर तोड़ता है, और हड़हराम मैं हो गई। और जरा मुझे ये बता, पैसे तूने चुराए ना? इस घर की हर चीज पे मेरा हक है और हर चीज मेरी है, और मेरे पैसे चुराए नहीं है, इन पे मेरा हक है। ठीक है, हर चीज पे तेरा हक है ना, तू रहे यहाँ, तुझ जैसे जानवर के साथ ना अब नहीं रहना मुझे। ये तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या बकवास कर रही तू? जैसे मुझे करनी चाहिए, और जाके ढूंढ ले अपने लिए कोई नौकरी वोकरी, और उसी से अपने नशे का खर्च पूरा किया कर, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगी। आसिफ बेटा, चौधरी साहब कैसे हैं? अम्मा मामू जान बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल रात से बहुत घबरा रहा है। सच सच बताना। तो साथ चल के खबर ले लो ना उनकी। तुझे नहीं पता कि अब हमारी बातचीत नहीं है? अम्मा क्यों बातचीत नहीं है?
चौधरी साहब भाई हैं तुम्हारे। चुप हो जा। मैंने खाना बना के रख दिया है, जाते हुए ले जाना। जी। क्या कर रही है तू? मौत आ रही थी तुझे, क्यों ढूंढ रहा था मुझे? मेरी बात सुन, कल मैं शहर जा रहा हूँ। क्यों? नौरीन है ना, उसका इम्तिहान है। अच्छा, जल्दी आना। हाँ हाँ, तू मुझे ये बता कि तेरी ठेकेदारी कैसी चल रही है? से क्यों पूछ रहा है, गांव वालों से पूछ। अच्छा एक मिनट रुक। चल फिर ये ले और एक कुर्ता मेरे लिए भी बना दे। हीर कोई काम? हाँ हाँ जानता हूँ, हीर कोई काम मुफ्त में नहीं करती है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये दो है और वो उसकी है। हाय सत्ते जाओ, मिरासी भी वो उसकी पहनेंगे। इधर ला, छोड़ दे। अब तो मैं तुझे बना के ला। और हाँ अच्छा बनाना और फिकर ना कर, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। इब्राहिम से कह दिया था ना कपड़े रख ले। हाँ कह दिया था, मगर मुझे एक बात की परेशानी है। क्यों परेशान है आप? परेशान ना हो, नौरीन की तैयारी पूरी है। मैंने देखा था इब्राहिम उसे सबक देता रहा है। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, नौरीन बड़ी काबिल लड़की है। फिर क्यों परेशान है? मैं सोच रहा हूँ कि गांव वाले अकेले भेजने पर कहीं बातें ना करें। ये क्या बात की चौधरी साहब आपने? वो नौरीन का भाई है, पूरा गांव जानता है और इब्राहिम भी उसे अपनी बहन समझता है। वो सब बातें ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि तू इन दोनों के साथ जा। मैं अगर चली गई तो आप अकेले पड़ जाओगे। और मैं कोई अकेला नहीं पड़ता, तू मेरी फिक्र ना कर। लेकिन 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 कुछ नहीं, मैंने तुझसे कहा ना, गांव वालों की निगाहें अच्छी नहीं है, और तू मेरी फिक्र ना कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू साथ जाने की तैयारी कर। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझो। उस्ताद सिर्फ मारने की कसर रह गई थी उस्ताद। अरे घर में तो कोई हमारी इज्जत ही नहीं है, और ये सब उस हीर की वजह से हुआ उस्ताद। तेजी भाई मैं तो कहता हूँ इस बार चाचा से बात करते हैं। लो चाचा क्या करेगा, चाचा के घर में तो पैसा आ रहा है, वो कुछ नहीं करेगा उस्ताद। तब मैं ही कुछ करता हूँ सर। ये वक्त सही नहीं है उस्ताद। ओए हटो रहन पे, ये ना हो कि आज तू भी मेरे हाथ से मर जाए। तेजी भाई रेमंड ठीक कह रहा है, ये वक्त ठीक नहीं है। उसके सर पे चौधरी साहब का हाथ है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो सारा शक हम पे जाएगा। उस्ताद इतनी बेइज्जती की, सिर्फ इतनी सजा दोगे? कुछ ऐसा काम करो उस्ताद कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो कहना क्या चाहता है उस्ताद? जो कुछ उसने तुमसे छीना है तुम भी वही उससे छीनो।